नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। और आपको बता दें कि पलवल नागरिक अस्पताल वन स्टॉप सेंटर में कर्मचारियों की ओर से समय पर ना पहुंचने की शिकायत को लेकर नगराधीश के द्वारा मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया और साथ ही जांच के आदेश भी दिए गए। वन स्टॉप सेंटर पे आज आपने यहाँ पर विजिट किया, क्या खामियां देखने को मिली? जैसा कि मुझे सुबह ही सूचना मिली वन स्टॉप सेंटर के बारे में कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो उपलब्ध नहीं था, तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आई और यहाँ पर पाया गया कि जो हमारी नाइट शिफ्ट में स्टाफ की ड्यूटी होती है उनमें से एक स्टाफ नहीं आए थे, जो कि हमें सीसीटीवी कैमरा में देखने के बाद पता चला है। तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू कर दिया है। और बाकी हमने यहाँ पर किचन का भी निरीक्षण किया है जहाँ पर पीड़ित महिलाओं के लिए खाना बनाया जाता है, और जो उनके रहने की व्यवस्था की गई है उसका भी निरीक्षण किया गया है, तो उसमें कोई अभी खामियां हमें नहीं मिली हैं, क्योंकि अभी कोई पीड़ित महिला यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में नहीं रुके हुए हैं। तो बस इस के बाद जो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे अपनी ड्यूटी के दौरान उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैम, जो यहाँ पर परमानेंट जो लेडी है वो 24/7 होनी चाहिए, परंतु ऐसा कोई प्रावधान देखने को मिलता नहीं कि वो लेडी यहाँ पर है, तो उसके लिए कुछ आपने आगे का कोई प्लान किया? मैंने उनको भी हिदायतें दी हैं कि जितना भी कोशिश हो सके वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रुके, और यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर की एक नई बिल्डिंग की का प्रावधान है, तो जैसे ही वो बिल्डिंग पुनः रूप से तैयार हो जाएगी तो वो वहाँ पर पूरा टाइम अपना रुकने का व्यवस्था करेंगे। मैडम, वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिला और बच्चों की सुरक्षा को भी देख के अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा के मद्देनजर में कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं दिखाई दे रहे, क्या इसको भी लेकर कोई आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर जो यहाँ पर नहीं है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।